अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, सबसे पहले आपने अपना ये इग्निशन ऑन करना है। ये बाइक का हॉर्न है, ये इसका राइट इंडिकेटर है, ये इसका लेफ्ट इंडिकेटर है। इंडिकेटर आपने बंद करना हो, सेंटर में पुश करेंगे इंडिकेटर बंद हो जाएगा। ये इसका लाइट्स का बटन है, रेड बटन मैं प्रेस करूँगा। इसकी ऊपर की जो फोग लाइट्स हैं, फोर LED लाइट्स इसकी ऑन हो जाएंगी, ठीक है। तो नीचे वाली लाइट है वो इसकी है, इसका ब्लैक रंग का बटन है, इसको हम करेंगे आगे करेंगे। ये इसकी बैक लाइट भी ऑन हो जाएगी, ठीक है, और इसकी ये नीचे की लाइट्स भी ऑन हो जाएंगी। इस तरह करने से आपकी सारी बैटरी डाउन हो रही होती है, ठीक है। आपने लाइट्स ऑफ करनी हो, इसको आप नीचे करेंगे बटन को, लाइट नीचे की ऑफ हो जाएगी। इसको हम प्रेस करेंगे दोबारा, ऊपर की लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। और ये गाड़ी का सेल्फ का बटन, इसको हम प्रेस करेंगे, गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, बात लोग ना, बात जो बच्चे हैं, जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है वो करते क्या हैं, इसको बटन दबा के रखते हैं। ओवर सेल्फ मारने की वजह से गाड़ी का सेल्फ ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये गाड़ी की रेस है, ये इसकी फ्रंट ड्रम ब्रेक है, अगले व्हीलों को रोकती है, और ये इसकी बैक डिस्क ब्रेक है। आप चाहते हैं बच्चा तेज ना चलाए तो ये इसकी एडजस्ट है, इसको आप टाइट करेंगे, इसकी स्पीड लॉक हो जाती है, ठीक है। और आप फिर ये देख लें, गाड़ी बंद है, स्विच ऑन किया, स्लब हल्का सा दबाएंगे आप, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, आपने छोड़ देना है। और सुबह का टाइम गाड़ी ठंडी होती है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो ये इसकी चौक है, ये देखें, ये चौक है इसकी, ये चौक आपने खींच देनी है। जब थोड़ी गाड़ी स्टार्ट हो, गर्म हो, चौक आपने डाउन कर देनी है। जो पेट्रोल है, पेट्रोल आपने यहाँ डालना है 2 लीटर का पेट्रोल, आपने पेट्रोल पंप से लेकर डालना है। बाहर लोग डालते हैं खुला तेल, आपने वो नहीं डालना, वो डालने से कार्बोरेटर लीक हो ओवर होना शुरू हो जाता है, यहाँ से कार्बोरेटर लीक होना शुरू हो जाता है। उस सूरत में आपने मैकेनिक बुलाइए, कार्बोरेटर खुलवा के वॉश करवा देना है। और ये देख लें आप, इस सेंटर में इसका पेट्रोल ऑन है, नीचे इसका पेट्रोल ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है, सेंटर में ऑन है। और जो इस गाड़ी के जो गियर हैं, इसकी गाड़ी के 3 गियर फॉरवर्ड हैं, ठीक है। आपका दिल कर रहा है आपने बैक गियर लगाना, लीवर को बैक करें आप, या आप बैक गियर लग गया, बैक रेस दें, गाड़ी बैक जा रही है, आपने बैक का न्यूट्रल करना हो, इसको हल्का सा आगे करेंगे, ये न्यूट्रल हो गया। आपने इसके 3 गियर आगे लगते हैं, पहला गियर लगाओ, ये भाई पहला गियर लग चुका है, ये गाड़ी आगे जा रही है, लेके जाओ। इसी तरह आपने दूसरा गियर लगाना हो तो आपने रेस को छोड़ना है, आपने लीवर को आगे कर देना है, ठीक है, दूसरा गियर लग जाएगा। इसी तरह दूसरा गियर में आप आगे जा रहे हो, आपने फिर रेस को छोड़ना है, लीवर को आपने आगे कर देना है, आपका तीसरा गियर लग जाएगा। फिर आपने करना क्या है, गाड़ी रोक कर न्यूट्रल करने हैं। ये तीसरा गियर न्यूट्रल, ये दूसरा गियर न्यूट्रल, ये पहला गियर न्यूट्रल, इसमें गाड़ी न्यूट्रल हो गई है, ठीक है। ये सिस्टम का गियर होगा। और कल को बैटरी आपकी डाउन हो जाए, आपने स्टार्ट बैटरी चार्ज करनी हो, तो ये इसका लॉक है, ये देखें, ये लॉक है, लॉक खींचेंगे स्पीड इसी खुल जाएगी। बैटरी की 2 वायर्स होती हैं, रेड लगती है प्लस के निशान में, ब्लैक लगती है माइनस के निशान पे। मैं इसकी एक तार उतार दूंगा लाल रंग की, वो आपने लगा लेनी है। सीट आपने फिट करनी हो, आपने जस्ट ऊपर रख के इसे पुश करेंगे, सीट आपकी लॉक हो जाएगी। भाई चलने के बाद गाड़ी के नट पेच लूज होंगे, चेन लूज होगा, वो आपने टाइट करना है। इस टाइम चेन ये देखें फुल टाइट है, कल को चेन भी लूज होगा। दो नट जब चेन लूज हो, आपने टाइट कैसे करना है, दो नट आप ये लूज करेंगे, दो नट आप ये लूज करेंगे, ये इसकी एडजस्टमेंट है। आप बारी बारी टाइट करेंगे, चेन आपका टाइट होना शुरू हो जाएगा। जब चेन आपका इस कंडीशन में टाइट हो जाए, उसके बाद आपने करना क्या, जो आपने कुप्पा लूज किया, दो नट ये लूज किया, दो नट ये लूज किया, आपने टाइट कर देने हैं। और चलने के बाद आपके दो शाफ्ट के नट ये भी लूज होंगे, दो नट ये भी लूज होंगे, आपने टाइट कर देने हैं। इसी तरह आपके बाइक चलने के बाद व्हील भी लूज होंगे, ये देखें, 1, 2, 3, 4 ये पिछले व्हील आपने कसाइयाँ मार देनी है। जो अगला व्हील है भाईजन, जो सेंटर वाला नट होता है ना, आपने ज़्यादा टाइट नहीं करना, ये आपने सही टाइट कर देने हैं, ये आपने ज़्यादा टाइट नहीं करना। अगर आप ज़्यादा टाइट करते हो तो आपका व्हील जाम हो जाता है। और आपने इसका जो एक हफ्ते बाद आपने सबसे पहले इसका ऑयल चेंज करना है, यहाँ से ऑयल डलेगा इसका, ये देख रहे हैं, ये ऑयल गेज है, ये देखें खुलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये खुल के टापा बाहर आएगा, यहाँ से ऑयल डलेगा, नीचे से निकलेगा। अगर मैं टापा ना खोलना तो ये देखें, ये ऑयल गेज है, जहाँ से आप टेढ़ी किस मिलती है, आप ऑयल लेके डाल के आप चेंज कर सकते हो, ठीक है भाई जी। तो ये था पूरी बाइक का एक छोटा सा
रिव्यू, स्टार्टिंग रिव्यू। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।